चंद्रमा कभी कभी हमारे जन्म कुंडली में अगर राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा कुछ ऐसी अवस्थाओं में चला गया है कि जहाँ वो भ्रमित हो गया है या कम डिग्री में है या किसी प्रकार से दिक्कत में है या माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है, तो इस तरह की हिडन फियर्स और ये सब चीज़ें आने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो माँ को गवर्न करता है ग्रह, वही सासू माँ को भी करता है। जो शादीशुदा बच्चियाँ हैं उनके लिए मदर इन लॉ और स्वयं की माँ, ये दोनों एक ही तरह से ग्रह से गवर्न होती हैं, तो हमें उनके साथ संबंधों को और इन बाकी चीज़ों को भी एक बार देखना चाहिए। और कभी कभी हम जब ये सोचते हैं कि परिस्थितियाँ और जीवन का सारा सरोकार हमारे ही अनुसार हो, हमारे ही सोचे समझे और बनाए गए मैप के अनुसार चले, तब इस तरह की दुविधाएँ, परेशानियाँ और भय की स्थितियाँ अधिक उत्पन्न होती हैं। तो हम, जैसे मैं बोलता हूँ अपने बहुत सी चीज़ों में, थोड़ा कठिन है पर करेंगे, अभ्यास तो हो जाएगा। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर। जो परिस्थितियां हैं उनको वैसे ही स्वीकार करने लगे, और ना भूतों ना भविष्यति, ना बहुत ज्यादा हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं। हमारे जो सुकर्माज हैं, हमारे आध्यात्मिक पथ पर बढ़ाए गए जो कदम हैं, वो ही हमें बहुत तरह की चीजों में संतुलित और सुनियोजित करते हैं, हमें सुव्यवस्थित और संतुलित करते हैं, हमें मैनेज्ड करते हैं और बैलेंस्ड करते हैं। तो हम उस पथ पर लगे रहेंगे तो वो चीज़ें अगर कहीं कॉस्मिक जोन में कहीं घट रही हैं तो वो स्वतः ही सही दिशा में जाने लगेंगी, क्योंकि आपने अपने देखे तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके प्रति उत्तर में या प्रतिफलन में आपको ऐसी परिस्थितियों से या ऐसी स्थितियों से या ऐसी अवस्थाओं से दो चार होना पड़े। फिर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं या कौन से ऐसे योग, दुर्योग या संयोग हैं जिनकी वजह से जीवन में ऐसा घट रहा है, तो ये हो रहा है, यानी अज्ञात लोक से कुछ हो रहा है, हिडन मार्ग से कुछ घट रहा है, किसी एक ऐसी अवस्था से जीवन में कुछ चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है और जिनको हम नियंत्रित और नियोजित भी नहीं कर सकते हैं, जिनको हम प्रबंधित और प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? फिर हम जो कॉस्मिक जोन से संबंधित उपाय और रेमेडीज और चीज़ें हैं, यदि उनको अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना लें तो उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। जो त्याज्य चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, व्यक्ति हैं कि घर है कि सिनेरियो है, वो आपके अनुकूल होने लगता है, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो आपके जीवन से वो मुक्त हो जाता है। ये दोनों ही अवस्थाएं ठीक होती हैं। आर्याम अभयाम बजरे Yeah.